हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज गलियारा में। दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही हमने एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि चीनी सिप युआन वांग 5 को भारत के कड़े विरोध के बावजूद श्रीलंका ने अपने हम्बनटोटा बंदरगाह पर रुकने की इजाज़त दे दी थी। हालांकि उसने भारत को भरोसा दिलाया था कि वो इस सिप के सारे रडारों को बंद करवा देगा। वहीं दोस्तों, हमने इसी वीडियो में ये भी बताया था कि श्रीलंका ये अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है, बल्कि उस पर चीन की तरफ से हैवी प्रेशर डाला जा रहा है कि अगर श्रीलंका उसकी शर्तों को नहीं मानेगा तो चीन उसे इकोनॉमिकली बर्बाद कर देगा। दरअसल दोस्तों, श्रीलंका इस समय हैवी इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है और इसका जिम्मेदार चाइना है, क्योंकि पहले तो चीन ने श्रीलंका को हैवी इंटरेस्ट रेट पर खूब कर्ज दिए, और जब ये देश आर्थिक तौर पर बर्बाद हो गया तो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए 2017 में स्ट्रेटजिक रूप से इम्पॉर्टेंट हम्बनटोटा पोर्ट को 99 सालों के लिए लीज पर ले लिया, और अब चीन इस पोर्ट का इस्तेमाल जासूसी जहाज़ों द्वारा भारत की निगरानी रखने के लिए करना चाहता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्पाई सिप युआन वांग 5 हम्बनटोटा पर रुका भले ही था, लेकिन भारत इस पर लगातार अपने सैटेलाइट के माध्यम से कड़ी निगरानी रख रहा था, और इसीलिए चीन अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया, और अब वह इसकी बौखलाहट भारत के ऊपर उल्टी सीधी बयानबाजी करके निकाल रहा है। दरअसल दोस्तों, हाल ही में श्रीलंका में चीनी राजदूत ने इनडायरेक्टली भारत को टारगेट करते हुए एक घटिया बयान दिया और कहा कि श्रीलंका के नॉर्थ में जो देश है उसने श्रीलंका पर 17 बार आक्रमण किया है। इतना ही नहीं, श्रीलंका को पश्चिमी देशों ने भी 450 सालों तक गुलाम बनाकर रखा, और आए दिन श्रीलंका को इसके नॉर्थ में बसे कंट्री द्वारा आतंकवाद झेलना पड़ा। दोस्तों, अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि श्रीलंका के नॉर्थ में बसा मात्र एक कंट्री भारत है। ऐसे में चीन का यह बयान श्रीलंकाई नागरिकों के मन में भारत को लेकर घृणा फैलाना था। और दोस्तों, रही बात 17 बार भारत द्वारा श्रीलंका पर अटैक करने की, तो यह डाटा चीन ने पता नहीं कहां से उठा लिया है। उसने श्रीलंका की झूठी प्रशंसा करते हुए कहा कि इतने हमलों के बाद भी यह देश आज भी सोवरनिटी और इंडिपेंडेंस को बनाए रखने में कामयाब है, और चीनी जासूसी जहाज को पोर्ट पर रुकने देने का फैसला इसकी सोवरनिटी को ही दर्शाता है। वहीं दोस्तों, चीन के इस बयान के बाद आज भारत की इस पर बड़ी प्रतिक्रिया आई है, और ये शायद पहली बार हुआ होगा जब भारत ने दुनिया के सामने चीन को इतनी बुरी लताड़ लगाई होगी। श्रीलंका में भारत के हाई कमीशन ने चीनी राजदूत को जवाब देते हुए कहा कि चीन का भारत को टारगेट करके दिया गया यह बयान पूरी तरह से गलत है, और यह भारत को लेकर चीन की मानसिकता को साफ दर्शाता है। चाइना जैसे बड़े देश को इस तरह का गैर जिम्मेदारा बयान शोभा नहीं देता। और रही बात चीनी राजदूत की, तो उनका राजनयिक शिष्टाचार का उल्लंघन उनकी व्यक्तिगत विशेषता को दर्शाता है। और दोस्तों, भारत यहीं पर नहीं रुका, उसने कहा कि चीन की छोटे देशों को कर्ज देकर उनकी जमीन हड़पने की घटिया मानसिकता किसी से छुपी नहीं है। इस समय जब चीन झूठी बयानबाजियां कर रहा है, उस समय श्रीलंका को हेल्प की जरूरत है, अनावश्यक प्रेशर की नहीं। हालांकि दोस्तों, श्रीलंका अभी इस मामले में चुप ही रहा है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि श्रीलंका का इस पूरे मामले में क्या स्टैंड रहता है। दोस्तों, ऐसे में इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।